स्टूडेंट आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजुदा। स्टूडेंट टुडे आई एम टेकिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ द क्लास 9th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड इज अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन इन द क्लास 10th। जब आप क्लास 10th में जाएंगे, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा आप पास हो जाएंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स, देन क्लास 10th में आपको चैप्टर नंबर 1 मिलेगा जिसमें आपको एक एल्गोरिथम मिलेगी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट इज द मीन ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा? दैट मीन्स अ मेथड बेस्ड ऑन डिवीजन रूल। इफ 9 इज डिवाइड बाय 2 देन 2, 4 जा 8 स्टूडेंट, देन वी गेटिंग द 1 इज अ रिमाइंडर। वेन 9 इज डिवाइड बाय 2 वी गेटिंग द 1 एज अ रिमाइंडर एंड 4 एज अ क्वेश्चन। तो आपको बचपन से पता होगा दीज इंटू दीज दैट मीन्स अ 2 × 4 प्लस रिमाइंडर विल बी इक्वल ऑफ 9। तो सर ये जो आपने चीज देखी है 2 × 4 + 1 = 9, तो बोलेंगे सर होता ही है। तो सर ये जो स्टेटमेंट है, दीज स्टेटमेंट इज गिवन बाय द मैथमेटिशियन यूक्लिड। व्हाट इज द मीन ऑफ द यूक्लिड? यूक्लिड दैट मीन्स अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन विच डिफाइंड द सम फंडामेंटल थ्योरीज रिलेटेड टू प्लस माइनस इंटू लेस देन ग्रेटर देन मोड मीडियन रिमाइंडर एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर? चैप्टर का नाम भी है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अ वर्ड दैट मीन्स अ ग्रीक वर्ड ज्योमेट्री, ठीक है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री ये चैप्टर का नाम है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपके लिए कुछ सिंपल बातें कर रहा हूँ स्टूडेंट। इफ 5 = 5, यू नो दैट 5 will be equal of 5। आप बोलेंगे यस सर वी नो 5 will be equal of 5 एंड 4 will be equal of 4। यस दैट इज करेक्ट सेंटेंस, 5 5 के इक्वल होता है और 4 4 के इक्वल होता है। देन अगर जो मैं LHS को LHS में और RHS को RHS में प्लस करूं, देन वी गेटिंग 9 will be equal of 9। आप बोलेंगे सर यस वी नो दैट 9 will be equal of 9, व्हाई यू टीच? तो मैं ये बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो आपको ये बात पहले से पता है कि अगर जो दोनों के LHS इक्वल है, दोनों के LHS इक्वल है और उनके बीच में मैं प्लस ऑपरेशन लगाऊंगा तो उनका रिजल्ट भी इक्वल आएगा। ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, आ स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस बाय यूक्लिड ज्योमेट्री। अनदर एक्सप्रेशन, इफ 5 = 5 एंड 4 = 4, देन वी गेटिंग द अनदर एक्सप्रेशन नेगेटिव साइन, दैट मीन्स अ माइनस। 5 - 4 = 1 एंड 5 - 4 = 1। स्टूडेंट इफ द LHS आर सेम, वन मोर टाइम फॉर द अनदर इक्वेशन, इफ LHS आर सेम एंड वी ऑपरेट द सब्ट्रैक्शन बिटवीन द LHS एंड RHS, देन रिजल्ट विल बी सेम। दिस एक्सप्लेनेशन, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय यूक्लिड डिवीजन। अगर जो यहाँ पर प्लस और माइनस मैंने आपको समझा दिया, नाउ वी टेकिंग द अनदर सिंबल मल्टीप्लीकेशन। इफ LHS आर सेम एंड LHS आर सेम, मतलब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड वी मल्टीप्लाई, वी यूज्ड अ अनदर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, 5 × 4 will be equal of 20 एंड 5 × 4 will be equal of 20, दैट मीन्स अनदर रिजल्ट विल बी सेम। तो सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं सिंपल सा ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो किसी भी इक्वेशन के LHS दोनों LHS RHS सेम है और उनके बीच में सेम ऑपरेशन लगाया जाए बोथ साइड, दैट मीन्स LHS और RHS में सेम ऑपरेशन लगाया जाए, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। सर इन द केस फॉर एग्जांपल हियर आई यूज्ड अ 5 5 एंड वी यूज्ड अ 1 1, देन डिवाइड ऑपरेशन, व्हाई वी चेंज द नंबर? क्योंकि 5 और 4 में डिवाइड नहीं होता। देन वी टेकिंग द अनदर एग्जांपल, 5 will be equal of 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 1 will be equal of 1 इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी
used a another operation divide, that means a 5 divided by 1 and 5 divided by 1, such that 5 divided by 1 will be equal of 1 and 5 divided by 1 also equal to 1. मतलब आपने ये बात समझ ली, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड. बट अगर जो मैं ये बोल रहा हूँ 5 इज लेस देन 7, 5 इज लेस देन 7, दैट इज अ करेक्ट और नॉट? यू नो दैट अबाउट द 5, यू नो दैट अबाउट द 7, 5, 6, 7, मतलब 5 जो है वो 7 से छोटा नंबर है, सच दैट 5 इज अ स्मॉलर एज कंपेयर टू 7, देन वी एड अ सेम अमाउंट प्लस 2 and plus 2, so 5 plus 2 will be equal of 7 and 7 plus 2 will be equal of 9. तो मैं क्या बोलूँगा, 7 is also less than 9. Student, आप बोलेंगे सर आप जो हर बात बता रहे हमको वो पहले से पता है. तो सर ये जो आपको पहले से पता है ये सारे स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस बाय द मैथमेटिशियन यूक्लिड एंड दिस फिनोमिना दिस फैक्ट्स आर नोन एज यूक्लिड जियोमेट्री. सर आई रिटन द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूला, व्हाट इज द मीन ऑफ द फैक्ट, ठीक है. आई ऑल्सो रिटन सम ऑफ द यूक्लिड एग्स, ठीक है. यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ करा, व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस वर्ड, अपार्ट ऑफ द थ्योरम. सर थ्योरम क्या होती है, थ्योरम दैट मीन्स अ वो जिसका प्रूफ होता है, ठीक है. हर वो चीज़ जैसे पाइथागोरस थ्योरम, सर उसका मैथमेटिकली प्रूफ है, ठीक है. हमने बहुत सारी थ्योरम देखी होगी, टू साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स अ टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल दैट मीन्स अ टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड सो ऑन. बहुत सारी थ्योरम देखी, तो सर सभी थ्योरम का एक मैथमेटिकली प्रूफ होता है, उसको हम थ्योरम बोलते हैं. बट इन द केस ऑफ एक्सिम्स इसका प्रूफ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्मल स्टेटमेंट से इनके प्रूफ को समझेंगे, मतलब इनका पर्टिकुलर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द सम वर्ड, ठीक है. 5 less than 7, नाउ वी टेक द अनदर एग्जांपल, 9 is greater than 7, 9 is greater than 7, अ सिंपल स्टेटमेंट, 9 is greater than 7. नाउ वी टेक द अनदर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन विद द अनदर ऑपरेशन, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, कोई सा भी ऑपरेशन ले लीजिए. वी टेक द नेगेटिव साइन, सो 9 - 2 विल बी इक्वल ऑफ 7 एंड 7 - 2 विल बी इक्वल ऑफ 5. सेम स्टेटमेंट, अगर जो 9 7 से छोटा है और मैंने सेम अमाउंट में प्लस माइनस इनटू या डिवाइड करा है तो मेरा स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स अ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 7. यहाँ पर मैंने बोला था फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड नंबर, तो सेम अमाउंट में मैंने प्लस करा, देन ऑल्सो वी गेटिंग द फर्स्ट नंबर इज लेस देन 7. स्टूडेंट आई होप आपके माइंड में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बना होगा. नाउ वी टेक द सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द यूक्लिड ज्योमेट्री. आई रिपीट स्टूडेंट, दैट इज अ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री. व्हाट इज द मीन ऑफ द यूक्लिड, यूक्लिड इज अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन विच डिफाइंड सम बेसिक फंडामेंटल रूल्स रिलेटेड टू मैथामेटिक्स. दिस रूल्स आर नोन एज द एक्सियम्स. नाउ स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूलाज. फर्स्ट वन, थ्रू यूक्लिड डिफाइंड. यूक्लिड ये जो मैथामेटिशियन है, इन्होंने क्या क्या डिफाइन करा है, 1D, 2D एंड 3D. व्हाट इज द मीन ऑफ द 1D? 1D दैट मीन्स अ वन डायमेंशन. इन द केस ऑफ द साइंस वी डिफाइंड 1D, वी डिफाइंड 2D एंड वी डिफाइंड द 3D. 1D दैट मीन्स अ वन डायमेंशन. इन द केस ऑफ द मैथामेटिक्स पॉइंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ 1D एंड लाइन इज अ एग्जाम्पल ऑफ 2D एंड प्लेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ 3D. The definitions are not accepted by the mathematicians. मतलब इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है by the Euclid. But Euclid defined the terms point, line and plane. That is now taken as the undefined. मतलब यूक्लिड ने क्या कोशिश करी है, यूक्लिड ने डिफाइन करा है पॉइंट एग्जांपल ऑफ द 1D, लाइन एज अ एग्जांपल ऑफ 2D एंड प्लेन एज अ एग्जांपल ऑफ 3D. एक्सिम और पोस्टेट्स आर एजम्पशन, दैट मीन्स मैंने अभी हाल बताया, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये क्या है, ओनली द एजम्पशंस. दैट मीन्स
इनका कहीं पर भी आपको यूनिवर्सल प्रूफ नहीं मिलेगा. एजम्पशंस दैट मीन्स अ यूनिवर्सली ट्रूथ बट यूनिवर्सल प्रूफ इज नॉट अप्लाई, या यूं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल प्रूफ नहीं होता है. यूक्लिड ज्योमेट्री डिफाइंड द सम टॉपिक्स यूनिवर्सली ट्रूथ बट नॉट यूनिवर्सली प्रूफ. याद रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, बोथ आर द यूनिवर्सली ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूफ्ड. मतलब मेरी बात फिर से समझे, हम जब भी ज्योमेट्री, ये यूक्लिड ज्योमेट्री है, यूक्लिड ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द ज्योमेट्री द स्क्वेयर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अनदर साइड, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो इसका प्रूफ मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्री, और जिसका मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है उसको हम बोलेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री. अब स्टूडेंट कुछ बातें देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट ये भी समझ लेते हैं, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट व्हिच आर प्रूव्ड यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द एक्सियम्स प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड द रीजनिंग. मतलब कहीं ना कहीं इन सबको प्रूव करने के लिए हमको रीजनिंग का यूज करना पड़ेगा. व्हाट इज द मीन ऑफ द रीजनिंग, दैट मीन्स अ सिंपल लॉजिकल बिटवीन द नंबर. जैसे मैंने अभी आपको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिए, नंबर्स लिए हैं. तो इन द केस ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री वी यूज्ड अ रीजनिंग, बट इन द केस ऑफ द ज्योमेट्री वी यूज्ड अ मैथमेटिक्स. आप बार बार समझेंगे, जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो उसका मैथमेटिकल प्रूफ होगा, बट इन द केस ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री डजंट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ, प्रूफ बाय रीजनिंग दैट मीन्स अ सिंपल नंबर्स और अल्फाबेट्स. स्टूडेंट सम ऑफ द यूक्लिड थ्योरम्स, फर्स्ट वन, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सम थिंग्स आर इक्वल टू द अनादर थिंग्स. इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने बोला माय एज, द एज ऑफ राम विल बी इक्वल ऑफ श्याम, द एज ऑफ राम विल बी इक्वल ऑफ एज ऑफ श्याम एंड द एज ऑफ श्याम विल बी इक्वल ऑफ एज ऑफ मोहन. मतलब राम श्याम के बराबर है और श्याम मोहन के बराबर है, इनडायरेक्टली राम और मोहन भी इक्वल होंगे. तो सर इसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं होगा, बट ये रीजनिंग में बिल्कुल मैं प्रूव कर सकता हूँ. इफ ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू सी. देखिए रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी एंड रिलेशन बिटवीन द बी एंड सी, दैट मीन्स ए ऑल्सो इक्वल टू सी. यस और नो, वाई A equal to 5 and B equal to 5 and here B equal to 5 and C equal to 5, that means A and C both are equal to 5. तो मैं बोल सकता हूँ मैं आपका ब्रदर हूँ और आप अपने भाई के ब्रदर हो, मतलब इनडायरेक्टली मैं और आपका भाई भी ब्रदर होंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, विच थिंग्स विच आर इक्वल टू सम थिंग्स आर इक्वल टू अनादर, दैट मीन्स इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए इक्वल टू सी. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द फर्स्ट एग्जाम. सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये देखिए 5 इक्वल टू 5 एंड 1 इक्वल टू 1, ठीक है. इफ वी एड, अगर जो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, 5 इक्वल टू 5 वी नो दैट, 1 इक्वल टू 1 वी नो दैट, LHS प्लस LHS दैट मीन्स आ 6, RHS प्लस RHS दैट मीन्स आ 6. तो यही बोला है सेकेंड स्टेटमेंट में, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, दैट मीन्स आ होल विल बी इक्वल. इस पॉइंट को सर आप 4 बार बोलिए, एक बार एड, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार मल्टीप्लिकेशन, एक बार डिवाइड में. मैंने आपको चारों एग्जांपल बताए हैं, तो बिल्कुल ठीक वैसे लिखा हुआ है. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, दैट मींस इफ 5 माइनस 1 विल बी इक्वल ऑफ 4, दैट मींस 5 माइनस 1 विल बी इक्वल ऑफ 4. अगर जो इक्वल में से किसी इक्वल नंबर को माइनस किया जाए तो रिमाइंडर विल बी इक्वल. सेम स्टेटमेंट, थिंग्स विच coincide with one another are equal to the one another. What is the mean of sentence?
ठीक है, मतलब अगर जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक टुकड़ा ठीक है किसी दूसरे ट्रायंगल के दूसरे टुकड़े के इक्वल है और ये ट्रायंगल इस तीसरे ट्रायंगल के इस पार्ट के इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। सेम थिंग इज देयर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मान लीजिए ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है तो इसका फर्स्ट पार्ट उस तीसरे के भी फर्स्ट पार्ट के इक्वल होगा। मतलब कहीं ना कहीं इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी। तो सर फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस क्या है, इसमें मैं पूरी क्वांटिटी की बात कर रहा था। इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी दैट मीन्स अ होल ए विल बी इक्वल ऑफ सी, बट इन दिस सिचुएशन द पार्ट ऑफ ए इक्वल टू पार्ट ऑफ बी एंड पार्ट ऑफ बी इक्वल टू पार्ट ऑफ सी दैट मीन्स पार्ट ऑफ ए इक्वल टू पार्ट ऑफ सी। स्टूडेंट द होल इज ग्रेटर देन, जैसे मैंने बताया इफ होल इज ग्रेटर टू अनादर ठीक है रिजल्ट विल बी सेम। यहीं पे यही बात लिखी है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट ठीक है अनदर साइड। और यहाँ पर ये जो डबल वाली बात बोली है तो डबल वाले में देख लेते हैं। इफ ठीक है इफ फाइव इक्वल टू फाइव दैट मीन्स डबल, व्हाट इज द मीन ऑफ द डबल ऑफ फाइव दैट मीन्स अ टेन विल बी इक्वल ऑफ टेन। तो सर आप बोलेंगे वी नो दैट, ये तो एक बच्चा भी जानता है, इफ फाइव इक्वल टू फाइव द डबल ऑफ फाइव विल बी इक्वल ऑफ डबल ऑफ फाइव। तो सर ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा है उस मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड एंड दिस स्टेटमेंट आर नोन एज द यूक्लिड जियोमेट्री। द लास्ट वन, थिंग्स व्हिच आर हेवल्स ऑफ द सम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स दैट मीन्स इफ फाइव विल बी इफ सिक्स विल बी इक्वल ऑफ सिक्स दैट मीन्स हाफ ऑफ सिक्स will be equal of half of 6 such that 3 will be equal of 3। I hope student you getting the all basic point जो आप बचपन से जानते थे। हम सभी को पता है कि 3 3 के इक्वल होगा, तो अगर जो दोनों में प्लस 1 करा जाए तो वो भी इक्वल होगा। इफ 3 इज इक्वल टू 3 और दोनों में 1 माइनस करूँ तो उसका रिजल्ट भी इक्वल होगा। इफ 3 इक्वल टू 3 दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट भी होगा। 3 इक्वल टू 3 उसका हाफ करूँगा तो भी इक्वल होगा। ये जो सारी बेसिक बात है ये किसने डिफाइन करी है, यूक्लिड ने। सो दिस आर नोन एज यूक्लिड ज्योमेट्री। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो स्टडी फ्रॉम दिस चैनल।